अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये है सुजुकी मेहरान के पार्ट्स पे, और पार्ट्स कौन से होंगे ये मैं आज आपको रिव्यू में दिखाऊंगा। जो गाड़ी का पूरा फ्रेम होता है ना, होदा छोड़ के मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्हें चाहिए गाड़ी का पूरा फ्रेम। तो उसके लिए आज मैंने थोड़ा सर्च किया है फ्रेम के लिए, और वो मैं आपको दिखाऊंगा 3 किस्म के, और साथ में उसकी प्राइसिंग बताऊंगा। चलें लेट्स सी, देखते हैं वीडियो। खोलो बोनट ज़रा। जी तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये मेरे एक बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं, और कराची में हो सॉरी ये मुल्तान में होते हैं। तो इन्हें गाड़ी का जो है ना होदा छोड़ के ना, बाकी सारा जो इसका फ्रेम है वो सारा फ्रेम उन्हें चाहिए। तो उसकी सर्च पे मैं लगा हुआ था, तो मुझे ये मेहरान जो है ना आज मिली है। ठीक है, इसके बस इसका प्लेट अलावा है। दो जो इसके फ्रेम है मुकम्मल, छत समेत पिलर समेत, और उसके फर्श भी कंप्लीट है। ठीक है, ये मुझे मिले हैं, और ये मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा। और इसका मैं आप लोगों को होदा को होदे की जरूरत हो ना, ये कुप्पों समेत, ये देख रहे हैं आप, ये सारी इसकी कंडीशन वगैरह आपके सामने है। ये आपको अगर मुकम्मल होदा चाहिए होगा, मुकम्मल होदा भी मिल जाएगा। अगर ये कुप्पे खाली एक एक साइड का चाहिए हो, तो ये कुप्पे भी आपको एक एक साइड के मिल जाएंगे। ठीक है जी, और ये ऑक्शन की गाड़ियाँ होती हैं और जर्मन गाड़ियाँ होती हैं, इनमें किसी चीज़ की कोई रद्द बदल नहीं होती। इस टाइम ये अपने बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में खड़ी हुई है। ठीक है जी, अपने ओरिजिनल पार्ट्स के साथ है। और बाकी इंजन जो है इसका, वो तो क्या नाम है, समझ ले के किस्म का बेकार ही है। ठीक है जी, बाकी मैं गाड़ी आपको दिखाता हूँ। ये पिलर वगैरह इसके चेक कीजिएगा, दरवाजे भी इसके बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि इस गाड़ी के जो दरवाजे ना बंद भी, ओरिजिनल जैसे गाड़ी के दरवाजे बंद होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट दरवाजे बंद हो रहे हैं किसी शोर शराबे के बिना। और ये अंदर से कंडीशन देखने, पिलर वगैरह मैं आपको दिखा, से भी ओके है, कहीं से कोई पिलर वगैरह इसका गला नहीं हुआ, ये आपके सामने है। और ये दरवाजों के भी पिलर चेक कर लें। टोटल गाड़ी इस टाइम अंदर से जो है ना और बाहर से फ्रेम इसका बहुत ही प्यारा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये वाले पिलर, और फर्श भी इसका ठीक होंगे, फर्श की तरफ से भी कोई मसला नहीं होगा। ये सारे पिलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। और इसके दरवाज़ों की कनेक्शन भी बहुत अच्छी है। मेहरान कितने, बहुत मुश्किल है, ये डिग्गी वाला एरिया देख लें, कहीं बहुत पे आपको मुश्किल कोई रस्ट वगैरह नहीं मिलेगी। है। ने ये वो पिछले जापानी फेंडर होंगे, भी देखें, जापानी ही बिल्कुल है। लोके हैं। हाँ जापानी थे, ए जापानी नहीं है, लोकल है। ये देखें, ये पिलर उसका चेक कर रहे हैं। गुस्सा किस बाकी चीज़ सामान है? जिसे भी चाहिए हो कॉन्टेक्ट कीजिएगा मुझसे, इंशाल्लाह अच्छे रेट पे आपको ये मिल जाएंगे। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि मेहरान से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो ना, तो आप मुझसे लिंक कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कीजिएगा इंशाल्लाह। जापानी मॉडल से लेके पाकिस्तानी मॉडल तक हर चीज़, यानी कि आपको मेहरान से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, आपको इंशाल्लाह ताला मैं प्रोवाइड कर दूँगा। और ये देखें इसकी डिग्गी वाला हिस्सा, ये भी कितनी प्यारी कंडीशन में है। और ये मैं अब आपको अंदर से फर्श इसके दिखाता हूँ, ये अंदर से फर्श इसके बहुत प्यारे हैं। ये चीज़ें जो है ना देखी जाती हैं, पिलर वगैरह, ये इस टाइम अपने ओरिजिनल कंडीशन में है। बाकी फर्श वगैरह चेक करें, ये भी बहुत प्यारी कंडीशन में है। और ये बैक से ये फ्रेम, ठीक है, ये देखें बिल्कुल A1 कंडीशन है। इसके अलावा मैं आपको दो और दिखाऊंगा, वो हाली फ्रेम होंगे, पूरी गाड़ी नहीं है।
होदा छोड़ के बाकी यानी कि पीछे वाला हिस्सा होगा। ये देखें सारा, मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। बाकी दूसरा ये लेमन ब्लू कलर में है और ये इतना इतना आगे से कटा हुआ है। ठीक है, ये देखें उतना हिस्सा आगे से कटा हुआ है इसका, और ये हाली फ्रेम है। इस पे भी रस्ट नहीं है, जहाँ पे है वो हिस्सा मैं आपको दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ये देख रहे हैं इसके भी पिलर वगैरह बिल्कुल ओके हैं, और इसका फर्श भी पीछे से बहुत प्यारा है। ये देख लें, रस्ट वगैरह नहीं है इस पे। ये चेक करें, जिसे भी पसंद आए मुझे कॉन्टैक्ट करेगा, जिसे भी ज़रूरत हो इसकी। और ये देखें कंपनी ओरिजिनल फिटेड जो था ना इस पर, वो लगा था सीएनजी किट वगैरह। ये भी देख लें जनमन पेंट इस पर हुआ हुआ है, इसका जो फ्रेम है ना जहाँ पे सिलेंडर रखते हैं, ये भी इसका अपना ओरिजिनल है। आपको पता है सीएनजी जो थी वो मेहरान में कंपनी फिटेड आती थी, और ये आगे वाले फर्श, ये पिछली सीट के नीचे वाला हिस्सा, ये भी आप चेक कर लें, बहुत ही प्यारा है, कोई रस्ट वगैरह नहीं है इस पर। और ये पिलर वगैरह चेक करें आप, ये इतना इतना हिस्सा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं ज़रा डीपली आपको चीज़ें दिखाता हूँ ताकि आप देख लें, और सवाल करने की आपको ज़रूरत ना पड़े कमेंट बॉक्स में, इसलिए मैं आपको हर चीज़ें बता रहा हूँ। अब ये चीज़ मैं आपको कह रहा था कि जो चीज़ है मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो राइट साइड का पिलर है ना नीचे पैनल वो है, और ये हिस्सा थोड़ा सा जो है ना रस्ट इस पर आई हुई है। ठीक है जी, ये ज़रा हिस्से में थोड़ा सा है मसला, बाकी नीचे से ओके है, नीचे से कोई मसला नहीं है, एकदम सफाई होगी सही तरह। बस सिर्फ ये इसमें थोड़ा सा मसला है, और इसके पिलर पैनल वगैरह भी हर चीज़ है, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, और इस चीज़ परफेक्ट है इसकी, बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बाकी जिसे भी चाहिए होगा तो जिसके नसीब में होगा। ठीक है, आजकल बड़ा इशू चल रहा है मार्केट में कि यार रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मसला सिर्फ इतना सा कि अब आप देखें कि गवर्नमेंट जो है ना वो चीज़ों पे टैक्स लगा रही है, हर चीज़ का टैक्स पे करके इन चीज़ों को आगे, तो अब अपने प्रॉफिट में से तो निकाल के टैक्स नहीं ना हम, ये यानी कि जे सिर्फ मसला इतना सा है। अब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो ज़ाहिर, अब लोग इस चीज़ को नहीं समझते वो ज़्यादा बात है। ठीक है, बस ये कहते रहते हैं महंगाई है महंगाई है, मगर इन चीज़ों को देखें फॉलो करें। मेरे ख्याल से वाम में इतना शोर तो हमारी है कि वो इन चीज़ों का इनको पता होगा। ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और बाकी ये पैनल वगैरह आप इसके देखें बिल्कुल ठीक है। अब ये नीचे से सफाई होगी, ये सारा जो है ना साफ़ हो जाएगा, ये गला नहीं हुआ फिलहाल, हल्की हल्की सी रस्ट है उस पर, गला नहीं हुआ, वो साफ़ हो जाएगी। बाकी ये सारा चेक कर लें आप, फर्श वगैरह, इसकी गाडरियाँ, हर चीज़ पिलर वगैरह सब कुछ ओके है, इसकी ठीक है, पैनल वगैरह ठीक है ना। बाकी गाड़ी आप देख लें, ये सारा रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ इसका, और मुझे ये लास्ट में बताइएगा कि आपको ये चीज़ें कैसी लगी हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी प्राइस वगैरह बताता चलता हूँ। जो मैंने आपको पहले गाड़ी दिखाई थी ना, और ये वाला सिल्वर वाला जी, ये कट पड़ा हुआ है पूरा, ये आपको तकरीबन 1,05,000 का मिलेगा। ठीक है, और जो मैंने आपको ब्लू वाला दिखाया है ना, वो तकरीबन आपको मिलेगा कोई 90 to 85 के राउंड अबाउट मिलेगा, 85,000 के राउंड अबाउट। अब जारी बात है, जिसकी गाड़ी कोई चीज़ें लगनी है उससे भी पैसे, मजबूरी है हर बंदे की, हमारी भी मजबूरी है, हमने ला के बेचना है, पसंद आए बता दीजिए।
अच्छा अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर वाले पिलर से समेत जो है ना ये पूरी छत है, ठीक है। और ये है जापानी गाड़ी की, अगर ये भी चाहिए हो तो ये तकरीबन आपको मिल जाएगी 35,000 की, ठीक है। ये अंदर से कोशिश वगैरह इसकी कंप्लीट है सारा कुछ, जिसे भी चाहिए हो बता दीजिएगा। जापानी आपको इतने की खाली छत पिलर समेत मिलेगी 30,000 की। और जो पाकिस्तानी भी एक पड़ी हुई है, जो पाकिस्तानी पड़ी है वो आपको मिलेगी 22,000 की। ये देख रहे हैं इस पर भी रस्ट वगैरह नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ जो बेल आइकन है इसे लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं नया नई वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। और मुझे याद लाजमी बताइएगा कि तीनों फ्रेम आपको किस तरह के लगे हैं, ठीक है। और प्राइजेज जो हैं वो आपको मैं रीज़न बता चुका हूँ वीडियो में कि ज़्यादा होने के रीज़न क्या है। तो बाकी जिसको भी चाहिए होगा इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको मैं ये दिलवा दूंगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।